अध्यक्ष राहुल गांधी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन, छोटाउदयपुर में आदिवासी छात्रों से करेंगे मुलाकात। दोपहर करीब 3:15 बजे गोधरा में करेंगे रोड शो, दंगों की वजह से गोधरा लगातार सुर्खियों में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की राहुल गांधी को चुनौती, विकास पर बहस के लिए तैयारी। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी अपने सरकारी निवास से शुरू करेंगे बस सेवा, जिला मुख्यालयों से गांवों को जोड़ने के लिए योजना। अमित शाह के बेटे जय शाह जाएंगे अहमदाबाद हाईकोर्ट, वेबसाइट के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि केस में सौंपेंगे सबूत। केरल के कुन्नूर जिले के पटियम इलाके में बीजेपी दफ्तर पर देसी बम से हमला, कुछ खिड़कियों को मामूली नुकसान। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया धोखेबाज पार्टी, किसानों की कर्ज माफी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू और तेजस्वी के बाद आज राबड़ी देवी की बारी, प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा है पूछताछ के लिए समन। पंजाब के गुरदासपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, बीजेपी सांसद विनोद खन्ना के निधन के बाद खाली हुई थी सीट पर बीजेपी। दिल्ली मेट्रो के बढ़े किरायों पर आपका विरोध, छात्र संगठन सीवाईएसएस ने राजीव चौक मेट्रो पर किया प्रदर्शन। मेट्रो की बढ़ी कीमतों पर सियासत जारी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से करेंगे मुलाकात। बिहार में परीक्षा के नाम पर मजाक, 7वीं के प्रश्न पत्र में चीन, इंग्लैंड के साथ कश्मीर को बताया अलग देश। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था प्रश्न पत्र, जेडीयू नेता ने पिछली सरकार पर फोड़ा ठीकरा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए, 2 जवान शहीद। अभी से 3 से 4 लश्कर आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों को मंगलवार शाम मिली थी आतंकियों की जानकारी, रात में हुई घेराबंदी, सुबह अभियान तेज। हिजबुल आतंकियों के को हथियार सप्लाई करने के आरोप में 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, शोपियां जिले में थी तैनाती। पुलिस वाले एक स्थानीय कार्यकर्ता की मदद से कर रहे हैं हथियारों की सप्लाई, AK-47 जब्त। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप का अपराध, 15 से 18 साल की लड़की को माना नाबालिग पत्नी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉक्सो के शारीरिक संबंध की सहमति के लिए 18 साल की सीमा तय, इसमें नहीं हो सकता कोई बदलाव। ओडिशा के कोरापुट में सुरक्षा बल के जवानों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, पूरे इलाके में तनाव। नक्सलवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में शामिल थे जवान, बच्ची की हालत गंभीर। हैदराबाद में ईसीबी की टीम, तेलंगाना के एक्साइज कमिश्नर के घर की छापेमारी, अवैध संपत्ति का मामला। रोहतक की सुनारिया जेल में सीबीआई ने राम रहीम से की 3 घंटे तक पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक हत्या और नपुंसक बनाए जाने के मामले में सवाल जवाब। हनीप्रीत ने बनाया था पंचकुला हिंसा का गाइड मैप, गुर्गों को किया था तैनात, पुलिस के मुताबिक लैपटॉप में छिपा रखे हैं तमाम सबूत। अभी तक बरामद नहीं हुआ हनीप्रीत का लैपटॉप, मोबाइल फोन और डायरी की भी पुलिस को है तलाश। 3 दिन और पुलिस रिमांड में रहेगी हनीप्रीत, पंचकुला पुलिस ने अदालत से मांगी थी 9 दिन की हिरासत। पंचकुला कोर्ट में कल फूट फूट कर रोई हनीप्रीत, कहा जितनी जानकारी थी पुलिस को बता चुकी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर शोलों में तब्दील हुई कार, निजामुद्दीन से सेक्टर 93 जाते वक्त हुआ हादसा, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। वाराणसी के जैतपुरा थाने में हिरासत में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत, 3 पुलिस वालों पर मुकदमा, चौकी इंचार्ज सस्पेंड, थानाध्यक्ष भी लाइन हाजिर। यूपी के बांदा में सामने आई सिटी मजिस्ट्रेट की संवेदनहीनता, अपने खेत पर दबंगों के कब्जे की शिकायत करने गए बुजुर्ग के अंधेपन का उड़ाया मजाक। हमने उनको देखा है लेते हुए नाथ तहसीलदार को काना गो को पकड़ दिया है, तुमने देखा है कब्जा किया है ऐसे। महाराष्ट्र सांगली में सामने आई एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, गैर मराठी लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली के मयूर विहार में ASN पब्लिक स्कूल में अभिभावकों का हंगामा, कोर्ट के आदेश के बावजूद मनमानी बढ़ोतरी।
दिल्ली के अलीपुर में सवारियों से भरी टूरिस्ट बस पलटी, कुछ लोगों को आई हल्की चोट। बस में सवार थे करीब 50 लोग, अमृतसर से दिल्ली आ रही थी बस। गुड़गांव में 5 लाख का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, जेलर की हत्या और जज पर गोली चलाने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज। दोनों तरफ की कई राउंड फायरिंग के बाद अखिलेश नाम के गैंगस्टर को लगी गोली, बिहार झारखंड जमशेदपुर में 50 से ज्यादा वारदातों को दे चुका था अंजाम। दरभंगा में बीएससी के छात्र के घर में बंद कमरे में मिली लाश, 3 दिन के परिजन कर रहे थे तलाश। पुणे के आंबेगांव खेत तहसील में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से हालात बेकाबू, एक चार पहिया गाड़ी और बाइक तेज धार में बहे। गया के सभी मुख्य इलाकों में प्रशासन लगवाए सीसीटीवी कैमरे, नगर निगम के सहयोग से अपराध रोकने की तैयारी। डर्बन हार्बर में तेज हवाओं की चपेट में आकर पोर्ट के मुहाने पर फंसा कंटेनर शिप, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ब्राजील के साओ पालो में इमारत के पीछे हिस्से में गिरा छोटा जहाज, सभी 3 सवार यात्रियों की मौत। पचहत्तर साल के हुए सदी के महानायक बिग बी जन्मदिन पर ट्वीट कर कहा, सांस लेने की नियति ने दिया एक और वर्ष। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर राज ठाकरे ने एक स्केच बनाकर दी बधाई, यूपी का ब्रांड एम्बेसडर बनने की वजह से 2008 में बनाया था निशाना। अक्षय कुमार के साथ फिल्म बनाएंगे करण जौहर, नाम होगा केसरी, मार्च 2019 में होली पर रिलीज हो सकती है फिल्म। विद्या बालन की अगली फिल्म तुम्हारी सुलू अब 17 नवंबर को होगी रिलीज, पहले तय थी 1 दिसंबर की तारीख। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पर बनने वाली बायोपिक में आमिर के साथ नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा, एस्ट्रोनॉट का निभाएंगी किरदार।